आप देखिए कि यहाँ पे जो मौजूद सिलेंडर थे उनके ब्लास्ट होने के बाद क्या धमाका हुआ होगा। आसपास के लोगों ने मदद की, शायद तभी 7 बच्चे इस घटना में मारे गए, मगर शायद तभी कुछ बच्चों को बचा लिया गया, वरना सभी के सभी बच्चे मारे जाते। उन 7 बच्चों की मौत का कारण कौन है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, ये सवाल आप सरकार से पूछिए, शासन प्रशासन से पूछिए। मैं आपको आप बीती पहुंचाने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ कि आपको उस रात की घटना की आप बीती बता सकूँ। वो कौन थे वो लोग जो मौके पर पहुंचकर सबसे पहले उन बच्चों को बचाया, उन 12 बच्चों को यहाँ से निकाला। आइए बात करते हैं स्थानीय लोगों से, क्या कहेंगे सर? शंटी जी के तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। ये हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर उस दिन मौजूद थे, और क्या कहेंगे उस दिन क्या हुआ? आ रहे हैं शंटी। कोई बात है, आप बताइए। उस दिन बहुत भयानक आग लगी थी, बहुत भयंकर, एकदम बम फट रहे, जैसे अब बम फटता है उस तरह के सिलेंडर फटे, 5-5, एक एक फटने के बाद दूसरी आवाज आई, फिर दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, फिर रेस्क्यू में रेस्क्यू करा शंटी जी ने पीछे से, बैक साइड से। और इन्होंने पूरा, मैं अंदर उस टाइम पे मैं अंदर एक एक करके 7-12 बच्चे थे अंदर, जो 7 बच्चे तो इन्होंने निकाले, 6 उसी टाइम एट द स्पॉट डेथ हो गए थे, जो और 5 बच्चे, 6 बच्चे फिर लेके गए, एक बच्चा उसमें से वेंटिलेटर पे, 4-5 घंटे बाद वो भी डेथ हो गया था, 5:45 के करीब वो भी डेथ हो गया उसकी। आप लोगों से बात करेंगे, आप लोग अगर हमें ये बता पाएं कि उस दिन आखिर क्या हुआ था, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में काफ़ी भयानक हैं। और सवाल हम ये पूछ रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से तमाम लोगों से कि आपके इलाके में ऐसे कितने अस्पताल हैं जिनके पास NOC नहीं है, क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी एक घटना दोबारा घटे? क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरीके की घटना दोबारा घटे। यहाँ पे काफी हैं इस तरीके के, मैंने मैं गिनती नहीं जानते पूरी तरीके से, लेकिन काफी है, फिर भी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई अभी से हो तो अच्छा है, क्योंकि बात अब 3 दिन हो गए हैं इसको। 11:30 बजे लगभग शनिवार रात की बात है, ये सिलेंडर बम ब्लास्ट की तरीके से ऐसे फट रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, यहाँ से करीबन 100-100 गज दूर जाके गिरे हैं सिलेंडर। भयावह मंजर, पूरी पब्लिक साथ में, बच्चे अंदर, बड़ी दर्दनाक और हृदय विदारक घटना, देख के दिल घबराता है, थोड़ा सुन के भी घबराता है। बिल्कुल। और मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ तमाम लोगों से कि 7 बच्चे एक लोअर क्लास के फैमिली के, मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे यहाँ पे आके अपना उपचार करा रहे थे, अगर वो 7 बच्चे किसी बड़े बाप के बच्चे होते, कोई बिजनेसमैन पूंजीपति के बच्चे होते, तब भी क्या सरकार इस तरीके से एक्शन लेती? सरकार को ये जो हादसा हुआ है बड़ा ही भयानक हादसा है, और ये एक जो हादसा है ये जानबूझ के ये कार्य किया जा रहा था। 7 महीने पहले भी पड़ोसियों ने कंप्लेंट करी है, पुलिस को भी बताते हैं जैसे कि पड़ोसी, और उन्होंने बिल्डिंग भी खाली कर दी थी, कोठी खाली करी हुई थी, यहाँ पे सिलेंडरों की ट्रेडिंग होती थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर की, अवैध गैर कानूनी रूप से, जो कि अलाउ ही नहीं है, और वो सिलेंडरों से ऑक्सीजन निकाल के उन्हें कम ज्यादा करके इधर उधर बेचा जाता था बिना किसी प्लांट के। और ये हादसा बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसके सारा जोखिम बच्चों ने, जो नवजात जो नए बच्चे थे उन्होंने अपनी जान पे खेल के, और सारी सी ब्लॉक, RW, विवेक विहार, झिलमिल, सबको बचा लिया, नहीं तो इस हादसे में कितने लोगों की जान जाती, कितने 100 लोगों की जान जाती, ये हम लोग यहाँ मौजूद थे, हमने खुद देखा है। सिलेंडर मिसाइल की तरह इधर से उधर जा रहे थे, बिल्डिंग पूरी हिली पड़ी है, बिल्डिंग में पूरे क्रैक्स हैं, आप देख सकते हैं, बहुत भयानक मंजर है। और यहाँ की जनता ने, यहाँ की पब्लिक ने, हम सब स्थानीय वासियों ने उन बच्चों की, जो जिनको हम बचा सके, डॉक्टर और स्टाफ सब भाग गए थे यहाँ से, और उनकी, उन बच्चे जो बचे हैं उनकी हेल्प करी, जिसमें कि यहाँ के स्थानीय लोगों में सभी ने हेल्प करी, हमारे नारंग साहब ने, अंकित जी ने, सबने मिलकर के हेल्प करी है। एक सवाल ये कि जिस तरीके से ये अस्पताल चल रहा था, क्या उस दौरान, उस समय, उस सर्टेन टाइम पीरियड के समय किसी ने कोई शिकायत की हो, आप लोगों ने, स्थानीय लोग हैं, आप लोगों ने कभी शिकायत दी हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जमाखोरी होती है, जो कभी कभी ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है? ये ऐसा कहना
है यहाँ कर यहाँ के क्षेत्रवासी और पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा है कि हमने कंप्लेंट करी है। अब वो कंप्लेंट उन्होंने कहाँ करी है, दिल्ली सरकार के किसी डिपार्टमेंट को करी है या पुलिस के किसी डिपार्टमेंट को करी है, ये तो उनसे ही बात करके पता लगेगा। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई है, जिस दिन ये भयानक मंजर हुआ है यहाँ पे, वो आश्चर्यचकित कर देने वाला था। चलती रोड पे गाड़ियों के एयर बैग्स खुल गए और शुक्र है कि कोई और हादसा नहीं बना। सिलेंडर सामने 200 मीटर 100 मीटर की दूरी तक फटके गए मिसाइल की तरह। मेरा कहना यही है कि कंप्लेंट करी हुई है, उस पर एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अगर वो गरीब परिवार के भी बच्चे थे तो कोर्ट, हमारी कोर्ट कानून दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए बनी है और कानून में सख्त आदेश के अनुसार इनको सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ये गोरखपुर धंधा यहाँ पे चल रहा था अवैध रूप से, क्योंकि ताकि दिल्ली शहर के अंदर बिना किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में ऐसा व्यापार, ऐसा व्यवसाय ना हो जिससे किसी की जान माल को खतरा हो। और ये दुखद घटना, इतनी बड़ी दुखद घटना है कि आज भी यहाँ से गुजरने वाला, यहाँ से गुजरने वाले गाड़ियां, वाहन, राहगीर, मुसाफिर एक बार मुड़कर जरूर देखते हैं कि उस रात, उस काली रात यहाँ क्या कुछ घटा। सब्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, शंटी जी के बेटे हैं। आपको बता दूं, चेहरा जरा पहचानिए कि ये वही हैं जिन्होंने एक बार कनॉट प्लेस में नरेंद्र मोदी जी का बैनर हाथ में लेकर खड़े हुए थे आप, और आपने प्रमोशन भी किया। मैं पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं मुद्दे पर बात करूंगा। आपने, आपके परिवार ने, शंटी जी ने कोविड के टाइम भी बहुत लोगों की मदद की है। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में और उस दिन क्या हुआ, थोड़ा बताइए। हमें रात को ये फोन आया कि ब्लास्ट हुआ है। जब हम मौके पर पहुंचे तो ऑक्सीजन सिलेंडर फट रहे थे, सब आग देख रहे हैं। हाँ भाई, बड़ी लपटें उठ रही हैं, सब हो रहा है। पर जो स्टाफ था यहाँ का वो भाग गया, जो डॉक्टर्स थे, जो नर्सेस थी, वो भाग गए यहाँ से। हम पीछे गए फटाफट भाग के, शीशा तोड़ा, बच्चों को निकाला। हम अपनी गाड़ियों में 6 बच्चों को ले गए, कोशिश थी कि एक बच जाए, 5 बच गए। लेकिन जो बच्चे मरे हैं, बहुत दुखद यह था, मेरे हाथों में गए और बच्चों की स्किन उतर के मेरे हाथों पे आ रही थी जी। ऐसे जैसे आप काला देख रहे हैं ना जी, ऐसी स्किन हो गई थी बच्चों की। मैंने परसों ही, ये एक दिन का बच्चा था, अब एक दिन का बच्चा क्या होता है, उसको मैं शमशान दफना के आया हूँ। वो उनकी मदर का नाम ज्योति था। ऐसे बच्चे भी थे जिनके फादर ड्यूटी पे थे, उन्होंने देखा नहीं बच्चों को, प्री मेच्योर थे, ड्यूटी पे थे, आए तो सीधा लाश मिली है। मेरा अपना मानना है, यहाँ अगर किसी नेता का बच्चा, किसी पॉलिटिशियन का बच्चा अगर यहाँ जाता तो शायद एक्शन होता, होने वाला कुछ नहीं। गरीब आदमी कोई, जिसे कहते कोरोना में देख लिया, सड़कों पे लाशें पड़ी थी, आज भी यार बहुत बहुत दिल को पीड़ा पहुँची। सुरवाल जी एक चीज़ और बताइए कि दमकल विभाग की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच गई थी, पुलिस चौकी भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, मैं भी आते वक्त देख रहा था, तमाम लोग पहुँचे, अस्पताल में तमाम लोग मौजूद थे, सब लोग भाग रहे थे, कोई भागते भागते भी एक एक बच्चे को भी लेकर बाहर निकलता तो शायद सभी बच्चे बच जाते। मैं कई बार कहता हूँ, ह्यूमैनिटी डिजर्व्स डिजास्टर्स। इंसान जितना गिर चुका है ना, नर्सें भाग गई, ड्यूटी अफसर भाग गया, सारे आगे खड़े हैं, ये नहीं कि पीछे जाके रेस्क्यू करेंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सबको अपनी जान की पड़ी थी, किसी ने ये नहीं सोचा कि छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी 12,000 रुपये पर डे पर चाइल्ड, 60-70 लाख का धंधा था हर महीने का यहाँ, लेकिन जान बचाने की बारी सबका। मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा सवाल ये है, यहाँ का जो प्रशासन, चाहे वो किसी का भी हो, बच्चे मरे हैं छोटे छोटे, सो रहा था क्या? आज एक आपने दुकान खोल ली है, पुलिस वाले भी आ जाएंगे, कॉरपोरेशन भी आ जाएगी, पैसे लाओ पैसे लाओ। अब
इतना बड़ा चल रहा था रैकेट, यहाँ सारे कहाँ थे? मुझे लगता है ये बहुत हल्का केस लगा, अभी तो 302 लोग नहीं चाहिए, 304 में नहीं। और ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। जिस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों सिलेंडर पड़े हुए थे, किसी की निगाह ही नहीं गई, या लोकल लोगों ने कंप्लेन की हो कि भैया यहाँ तो जमाखोरी होती है? कंप्लेंट्स करी थी लोगों ने, मैं वही कह रहा हूँ, आप एक्शन नहीं हुआ। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पैसे पूसे खा लिए होंगे, यहाँ क्या सबको पता क्या चलता है। आपने एक एम्बुलेंस रजिस्टर करानी हो, नहीं होती हमारे पास बत्तीस। इतनी सॉरी फॉर मैनिटीज, इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है तो ये देख ही चल रहा होगा, ऐसे तो नहीं चल रहा होगा। अब जिसने लिए हैं ये पकड़ो, किसने लिए और किसने दिए इसका हिसाब तो जरूर होगा, मगर कब होगा ये सवाल है। मगर यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी आपबीती बताई, आपने सुनी कि किस तरीके से ये गलत धंधा यहाँ पे चल रहा था। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम भैया पीछे बैक साइड में रहते हैं, यहाँ पे ये आग लगी थी, 11:30 बजे का टाइम था। हम बाहर निकले तो हमको सबसे पहले पता चला था कि यहाँ पे आग लग रही है, तो एकदम धमाका हुआ बहुत तेज, तो मैंने शोर मचाया पूरी गली के अंदर कि सब लोग बाहर निकलो, आग लगी है, सिलेंडर फट रहे हैं और बेबी हॉस्पिटल में आग लग गई है। तो जैसे सब लोग बाहर आए, दो सिस्टरें पीछे से भागी बाहर, वो पीछे भाग गई, मतलब उन्होंने ना तो शोर मचाया ना बच्चे लेकर निकली वो बाहर, वो चाहती तो बच्चे लेकर के भी बाहर निकल सकती थी, लेकिन हमने देखा उनको तो वो पीछे की तरफ भाग गई हैं और फिर शोर मचा रही है वहाँ जाके। हमने जब उनको डांटा कहा तो कहने लगी कि अंदर बच्चे हैं उनको बचा लो, तो मैंने कहा आप बाहर निकल आए और आपने अब शोर भी नहीं मचाया, ना किसी को कॉल करा है और आप ऐसे भागे जा रहे हो, किसी को बता भी नहीं रहे हो। तो एकदम तब वो रुकी हैं, जैसे सबको पता चला, हमारे पड़ोसी, हमारा बेटा, सब सारे के सारे लोग जितने भी थे ये सब अंदर घुसे, पीछे के दरवाजे से इन्होंने एक एक करके बच्चा, सब 5 बच्चे निकाले उस टाइम पे। तो सबसे पहला बच्चा, 2 बच्चे निकाल करके, वो पहले 2 बच्चे मेरी गोदी में ही आए, सबसे पहले कपड़ा भी नहीं था उनके लिए, बच्चों के लिए, तो मैं अंदर से 2-3 चादरें लेकर के आई, वो चादर लेके वो दोनों बच्चे मैंने अपनी गोदी में लिए। उसके बाद फिर एक एक करके 5 बच्चे आए, फिर एक एक बच्चा, 2 बच्चे उनको सिस्टरों को दिए, एक बच्चा एक हमारी पड़ोसन ने उसको दिया। हम 5 बच्चे लेकर के नारंग जी की गाड़ी में, गाड़ी पहले से ही भाई साहब ने खड़ी कर रखी थी, वो ठंडी हो रही थी कि बच्चे एकदम गरम गरम निकल रहे थे, तो वो एकदम गाड़ी स्टार्ट करते ही हम बच्चों को, 5 बच्चों को लेके हॉस्पिटल चले गए, गुप्ता नर्सिंग होम में गए। वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, हम बच्चे नहीं ले पाएंगे। एक बच्चा सीरियस था उसके अंदर, तो हमने कहा कि एक बच्चा तो ले सकते हो, तो उन्होंने एक बच्चा लिया, फिर बाकी के 4 बच्चे लेकर के हम आगे एक सिंह नर्सिंग होम है, टंडन नर्सिंग होम, उसमें उसके अंदर पहुँचे, वहाँ पे वो बच्चे उन्होंने एडमिट कर लिए। तो वही बच्चे जीवित हैं 5 जो हम वहाँ पर छोड़ के आए, बाकी दोबारा हम यहाँ वापस आए, आकर के देखा तो जो 6-7 बच्चे वो निकले थे वो सारे धुलक चुके थे, वो नहीं बच पाए। आपने भी उनसे पूछा कि अगर आप भाग रहे हो तो प्रत्येक व्यक्ति एक एक बच्चा भी अगर लेके भागता तो शायद सारे बच्चे बच जाते। बिल्कुल बचते, अगर वो शोर भी मचाते, पीछे निकल के गली में बताते कि बच्चे हैं इसके अंदर, या एक एक बच्चा लेके निकलती तो बच्चे बिल्कुल बच जाते, लेकिन वो अकेली जान अपनी बचा के भाग गए और बच्चे फिर उन्होंने बताया भी नहीं, शोर भी नहीं मचाया। और अभी आप मुझे एक वीडियो दिखा रहे थे जो ऊपर आग लगी थी सबसे पहले, और काफी समय था, उतने समय में इनफ टाइम था रेस्क्यू किया जा सकता। फायर ब्रिगेड को आने में टाइम लगा, लगभग 20-25 मिनट लग गए उसको आने में, जब तक कॉल कर दी थी। क्षेत्रीय विधायक जी को भी बोला था, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग बुझाने की गाड़ी फायर ब्रिगेड को फोन किया और वो खुद भी मौके पर पहुंचे, और उसके बाद में समय तो लगा थोड़ा सा आने में, लेकिन फिर बुझाई। लेकिन ये छत से आग लगी है, पोल से तो नहीं लगी है कहीं पे, और पीछे से आगे कोई चिंगारी गिरी है, आगे फिर सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर से उनमें आग लगी है, उससे आग ज्यादा भड़की है, ऑक्सीजन सिलेंडर से ही बढ़ी है आग ज्यादा। कैसे कैसे सोचते हैं कि कैसे इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ देखो तभी मिलेगा जब हमारी कोर्ट का सख्त आदेश होगा, और जो जिन्होंने अत्याचार, जिन्होंने गैर अपराधी रूप से कार्यवाही हो रही थी, यहाँ पे काम चल रहा था, उसके ऊपर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, तभी हमारी आत्मा को, स्थानीय लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी, और हमें ये रहेगा कि हमारे साथ न्यूज चैनल्स ने, कानून ने, पुलिस ने, कोर्ट ने, सबने हमारा साथ दिया है, और ऐसे जनता की आवाज बुलंद होगी तो वो बच्चे, जो नवजात बच्चे
जो जिन्होंने धरती पे भी अपना कदम भी नहीं रखा था उससे पहले भगवान को प्यारे हो गए, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और शायद उस परिवार को भी शांति मिलेगी, उस माँ को भी शांति मिलेगी, उस पिता को भी शांति मिलेगी जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है। और आपको बता दूं कि वो आंखें आज भी नम हैं, उदास हैं, अपने लल्ले को खोज रही हैं, अपने बेटे अपने बच्चियों को खोज रही हैं जो इस घटना में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक सवाल मैं भी छोड़कर जा रहा हूं आपके पास, शासन प्रशासन के पास, कि आखिर कब तक धड़ल्ले से ऐसे अस्पताल, माफ कीजिएगा, ऐसे शमशान चलते रहेंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18, एबक्कट के साइन आउट करेंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।